नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ मीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर इलाका जात में जाकर वहाँ के गरीब लोगों से मुलाकात करके वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको उजागर करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम मौजूद हैं सरहदी ज़िला पुंछ के सरहदी गाँव दिगवार दलान में। यहाँ हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आए दिन जो है हिंदू पाक अफवाज के माबेन गोलीबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, ये लोग इस गोलाबारी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे गोलाबारी के दरमियान जो यहाँ पे कशीदगी जो है आए रोज़ देखने को मिलती है, लोगों की जानें जाती हैं, माल मवेशी इनका नुकसान होता है और इनकी फसल भी काफ़ी हद तक जो है फसल का भी नुकसान होता है। यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस गोलाबारी के दौरान जो है इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से जो भी स्कीमें लॉन्च होती हैं वो इन तक पहुँचती हैं या कि सिर्फ शहरों तक ही महदूद रहती हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद। हमने देखा कि आए रोज़ यहाँ पे जो है भारतीय और पाकिस्तानी अफवाज के माबेन गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, तो इसके बीच जो आपकी ज़िंदगी वो कैसे गुजर रही है? देखो जी, बात ये है कि यहाँ पर आज की नहीं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर गोलाबारी होती रहती है और इसमें हमारे कितने ही आदमी ज़ख्मी हो चुके हैं, कितने ही मतलब डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा है माल मवेशी को भी लगता है और कुछ हमारे पिछले दिनों में घास भी जल गया फैर से, कि जो फैरबंदी है इसको थोड़ा बंद किया जाए। आपने बताया कि यहाँ पे कुछ जाने भी गई है, माल मवेशी का नुकसान भी हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो आपकी फसल है घास वगैरह उसका भी नुकसान हुआ है, तो क्या इंतज़ामिया की तरफ से आपकी कोई इसमें मदद की गई क्या? नहीं देखो जी, बात ऐसा है कि आज अगर हम यहाँ पर हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा एट अ टाइम, मौके पर तो ज़रूर जाएंगे, किसी को 5,000 बताया, 10,000 बताया, उसके बाद में तो कोई दूसरा जो मुआवजा है देना है, या किसी का माल मवेशी है या किसी का घास है या मकान जल जाता है तो उसको तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे हमने देखा है कि जो तार है, मेन जो बॉर्डर है, उससे तकरीबन 500 मीटर पीछे या मान लिया जाए 1 किलोमीटर पीछे एक फेंस की तार है, जहाँ पे जहाँ से जो भी आगे जाएगा उसको एंट्री करके कार्ड वगैरह जमा करके तो भेजा जाता है। इसमें मैंने देखा कि यहाँ के चंद लोगों से बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे जो तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, या कोई आगे अंदर बाहर जो हमारे यहाँ पे आने जाने का सिलसिला है तो होता है, या कोई मेहमान बाहर से आए तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बात यह है कि इसमें लॉकडाउन रहा है अभी और इसमें हमें पिछले वक्त में कुछ दिन बहुत परेशानी हुई है, जिसके बीच में हमारे पास दिन रुक भी जाते रहे कि जब नहीं जाने देते थे। उसमें ऐसा है कि हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं, जो कि मतलब एलसी लेन के करीब हैं हम, और हमारे पर फेर हर वक्त रात को भी आता है, दिन को भी आता है, अगर ऐसे नाजायज नुकसान होता है उनका तो हमारे पर भी फेर आता है। लेकिन गेट पर थोड़ी सहूलियत होनी चाहिए, हमें कहीं वहाँ एक बार एक लड़की को लाया, वहाँ डिलीवरी केस था, उसको बच्चा वहीं गेट पे पैदा हो गया, नीचे पुंछ में नहीं आने दिया, वहीं से वापस फिर हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत जो हो वो सबको हो, हम बॉर्डर पे रहते हैं तो हमारे जो बैंकर हैं, बैंकर भी नहीं बने हैं, बैंकर हमें चाहिए, सबसे ज़रूरी हैं बैंकर, जो बैंकर पहले थे वो भी नहीं कम्प्लीट नहीं हुए, बोल रहे हैं कोई बोलता है सीमेंट नहीं है, सरिया नहीं है, कोई सामान नहीं है, आज 6 महीने से वैसे ही पड़े हैं, अगर गोलाबारी हो, शेलिंग हो तो उसमें बहुत मुश्किल है, वो उस बैंकरों में नहीं कोई जा सकता है, अंदर पानी है उनके, इसलिए अगर जो बने हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए, जो नए बैंकर हैं सबको देने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं जो भी स्कीमें हों, और सबसे ज़्यादा जो बैंकर हैं, हमें जब फायर होता है बहुत मुश्किल होती है फायर में, इसलिए हमारे बैंकर जो हैं वो सरपंच साहब ने जैसे बताया 90% जो हैं वो हमारे बिना बैंकर से लोग हैं, इसलिए बैंकर जो हैं वे हमें मिलना चाहिए।